بسم الله الرحمن الرحيم. Polymorphic light eruptions. Rash lesions caused by sun exposure that are called polymorphic light eruptions. Red tiny bumps होंगे, ठीक है? उनकी appearance के बारे में बात कर रहे हैं. Red tiny bumps, slightly raised patches, itching or burning, ठीक है? रेड होंगे और थोड़े थोड़े रेज्ड होंगे, उन पे इचिंग या बर्निंग हो सकती है. होते किसकी वजह से हैं? सन एक्सपोजर की वजह से. उनको नाम क्या दिया जाता है? पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस. सन एक्सपोजर की वजह से जो रैश बनते हैं रेड कलर के, उनका नाम क्या है? पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस. कुछ इस तरह के नज़र आएंगे. द लिजन इरप्ट्स erupt a few hours to several days after the subject has been exposed to the sunlight. यानी कि ये वाली जो लीजन है किस टाइम पे डेवलप हो सकती है? यानी कि जब एक सब्जेक्ट यानी कोई पर्सन जब सन एक्सपोजर उसका होता है तो चंद घंटों से लेके चंद दिनों तक ये जो है ना डेवलप हो सकता है, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस. इसके लिए एक्सपोजर हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होगा, डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल की जो स्किन है उसकी सेंसिटिविटी पे. किसी जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी उसके अंदर कुछ घंटों के अंदर ही ये डिवेल्प हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा जिसकी स्किन थोड़ी कम सेंसिटिव होगी उसके अंदर कुछ दिनों के अंदर डेवलप होगा. कि अगर वो ज़्यादा दिन तक लाइट के सामने एक्सपोज हो, सन लाइट के सामने, उसके बाद उसको ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा, ठीक है? लीजन्स आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड ऑन द अपर फेस. किस जगह पर मिलेंगे? अपर फेस के ऊपर, अपर चेस्ट एंड एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज. अपर चेस्ट और एक्सपोज पार्ट्स जो हैं एक्सट्रीमिटीज़ के, यानी कि वो एरियाज जो सन के साथ डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं, उन एरियाज में ये लीजन आपको मोस्टली मिलेंगे. आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है या कोई डिस्टॉर्शन हो रही है? मेरी आवाज़ क्लियरली आपको सुनाई दे रही है? हेलो, आंसर क्यों नहीं देते आप लोग? सर कभी कभी डिस्टॉर्शन आ रही है लेकिन वैसे क्लियर ही है. ठीक हो गया, चले उसका भी मैं हल कर देता हूँ. उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन है टीनेज ईयर्स और ट्वेंटीज. यानि कि जब टीनेजर्स होंगे उस टाइम पे और ट्वेंटीज की एज पे इसके होने के चांसेस ज़्यादा है. हैविंग लाइट स्किन एंड लिविंग इन नॉर्दर्न एरियाज. जिन लोगों की जो स्किन है वो लाइट होगी और नॉर्दर्न एरियाज में जो रहते होंगे, यानि कि जिस जगह पे जो सन रेज हैं वो ज़्यादा होती हैं, जिनमें यूवी लाइट ज़्यादा होती है, ठीक है, उस एरिया में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो तो उन लोगों के अंदर इसके होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. आवाज़ आ रही है सबको? अभी मैंने इंटरनेट थोड़ा कनेक्शन चेंज किया है. यस सर. डायग्नोसिस उसके बाद स्किन बायोप्सी इसमें कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं और फोटो टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है? फोटो टेस्टिंग से हम उसकी स्किन सेंसिटिविटी चेक करेंगे और ब्लड टेस्ट और स्किन बायोप्सी से हम चेक करेंगे कि इसको कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है. ट्रीटमेंट में इसमें हम क्या देखेंगे? फोटोथेरेपी करेंगे. फोटोथेरेपी एक्सपोजेज योर स्किन टू स्मॉल डोजेज ऑफ यूवी ए और यूवी बी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी लाइट.
which helps your skin to be less sensitive to the light. यानि के उस जो patient होगा उसकी skin को बार बार एक controlled amount of UV light के सामने उसको expose किया जाएगा ताकि उसकी skin आहिस्ता आहिस्ता उस light से जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा sensitive है आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाए resistant हो जाए और उसको ये वाली problem ना आए. Basically it's a controlled version of the increased exposure. ठीक है, ये कंट्रोल्ड वर्जन होता है. ठीक है, इससे इस अमाउंट में दी जाती है और इतने ड्यूरेशन के लिए दी जाती है कि उसकी स्किन को कोई डैमेज ना हो. ठीक है, इंक्रीज एक्सपोजर यू वुड एक्सपीरियंस ओवर द कोर्स ऑफ द समर. और बार बार ये सेशन इसलिए किए जाते हैं ताकि जो जो इंडिविजुअल इससे ज़्यादा सेंसिटिव है वो आहिस्ता आहिस्ता उस वो इस चीज़ को अडोप्ट कर ले. ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या करेंगे, अप्लाइंग एंटी इचिंग क्रीम. एंटी इचिंग क्रीम अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें इचिंग और बर्निंग हो सकती है, तो उसके लिए एंटी इच क्रीम अप्लाई कर सकते हैं. एंटी हिस्टामिन्स इचिंग को कंट्रोल करने के लिए, यूजिंग कोल्ड कंप्रेसेस, उससे भी क्या होगा कि थोड़ा सूदिंग इफेक्ट्स मिलेंगे, इचिंग में थोड़ा आराम मिलेगा. लिविंग ब्लिस्टर्स अलोन, ब्लिस्टर्स को ना छेड़ें. ठीक है, उनका उनके साथ कुछ छेड़छाड़ ना कीजिए. टू स्पीड हीलिंग एंड अवॉइड इन्फेक्शन, उससे क्या होगा कि अगर ब्लिस्टर्स को ब्लिस्टर्स की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी तो उससे जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होंगे. लीव ब्लिस्टर्स इंटैक्ट, इफ नीडेड यू कैन स्लाइटली कवर ब्लिस्टर्स विद द गॉज. अगर यानि कि प्रॉब्लम हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल फ्लाइज वगैरह जो हैं वो उनके ऊपर बैठ रही हो, तो उस वक्त उनको गॉज के साथ स्लाइटली कवर कर दिया जाता है लाइटली. ठीक है, जो ड्रेसिंग होगी वो यानी कि टाइट ड्रेसिंग नहीं करनी, बहुत लाइट सी ड्रेसिंग करनी है, जस्ट उनको कवर करना है. टेकिंग अ पेन रिलीवर यानी कि पेन किलर ले सकते हैं जिसमें आइबोप्रोफेन, एसिटामिनोफेन एंड नेप्रोक्सन सोडियम. पेन को कम करने के लिए ये वाली पेन किलर्स ली जा सकती हैं. अवॉइड सन बिटवीन 10 AM एंड 2 PM यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 2 बजे तक, इस दरमियान में सूरज के एक्सपोजर से, सनलाइट एक्सपोजर से बचना चाहिए उन इंडिविजुअल्स को जो कि जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है. बिकॉज सन रेज आर मोस्ट इंटेंस ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे जो सन रेज हैं वो ज़्यादा इंटेंस होती हैं. ट्राई टू शेड्यूल आउटडोर एक्टिविटीज़ फॉर अदर टाइम्स ऑफ द डे, जो आपकी आउटसाइड आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसको डे के किसी और हिस्से में शेड्यूल कर लिया जाए ताकि इन टाइमिंग के दरमियान जो इंडिविजुअल है वो बाहर ना निकले. यूज़ सनस्क्रीन और उसके अलावा सनस्क्रीन जो क्रीम्स वगैरह हैं उनको यूज़ किया जाए. ये वाली कंडीशन जिसमें एक स्पेसिफिक एरिया की डीप पिगमेंटेशन होती है, इसको मेडिकल टर्म में क्या बोला जाता है, विटिलिगो. विटिलिगो क्या चीज़ है, लॉस ऑफ मेलानोसाइट्स, डीप पिगमेंटेशन, वाइट पैचेस. ठीक है, इसमें क्या होगा, मेलानोसाइट्स का लॉस होगा. ठीक है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, जेनेटिक कंपोनेंट आल्सो इन्वॉल्व्ड, थायराइड डिसफंक्शन इसमें होता है, हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है. ऑटोइम्यून डिजीज़ हमेशा अपने साथ और ऑटोइम्यून डिजीज़ को लेके आती है. फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर एक ऑटोइम्यून डिजीज़ डायग्नोज हुई है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली एक या एक से ज़्यादा ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती हैं. ठीक है, तो इसमें मेनली हो क्या रहा है कि स्पेसिफिक एरिया पे मेलानोसाइट्स लॉस हो रहे हैं, डीपिगमेंटेशन उसकी स्टार्ट हो गई है. देखें, ये बॉडी के किसी भी एरिया पे हो सकता है, मोस्टली सन एक्सपोज जो एरिया उन एरिया पे नजर आएगा, लेकिन किसी भी एरिया पे आपको मिल सकता है. ट्रीटमेंट इसमें क्या करेंगे, इम्यून मीडिएटर्स, टॉपिकल प्रिपरेशंस ऑफ इम्यून सप्रेसिंग मेडिकेशंस इंक्लूडिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. इसमें हम इम्यून सप्रेसिंग जो ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या स्टीरॉइड्स जिनको बोलते हैं, हम उसका यूज कर सकते हैं, सच एज क्लोबेस्टेरोल और बीटामेथासोन एंड कैल्सरीन इनहिबिटर्स. कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर सच एज टेक्ट्रोलिमाज और
पेमिक्रोलिमस और कंसिडर टू बी फर्स्ट लाइन विद ग्लूको ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें हमने मेनली करना क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हम ये दो ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने क्या करना है, फोटोथेरेपी करनी है। फोटोथेरेपी इज़ कंसिडर्ड आ सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट फॉर वेटलिगो। फर्स्ट लाइन क्या है, इम्यून मीडिएटर्स यूज़ करने हैं, सेकेंड लाइन में फोटोथेरेपी आ जाएगा। एक्सपोजिंग द स्किन टू द लाइट फ्रॉम यूवीबी यानी कि अल्ट्रा वायलेट बी लैम्प्स इज़ मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर वेटलिगो। इसमें क्या करते हैं कि अल्ट्रा वायलेट लैम्प जो होते हैं उनके सामने वो स्पेसिफिक एरिया को एक्सपोज किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। द ट्रीटमेंट्स कैन बी डन एट होम विद एन यूवीबी लैम्प और इन अ क्लिनिक, यानी कि डॉक्टर आपको रिडायरेक्ट करेगा कि आपने ये वाला काम इतने टाइम के लिए करना है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट भी लैम्प के सामने आपने इस एक्सपोज एरिया को इतने टाइम के लिए रखना है, ठीक है। तो आप वो वाला काम क्लिनिक पे भी कर सकते हैं और अपने घर पे यूवी लैम्प ले आएँ और उसके सामने अपने स्किन को एक्सपोज करके वो भी कर सकते हैं, ठीक है। द एक्सपोजर टाइम इज मैनेज सो दैट द स्किन डज नॉट सफ़र ओवर एक्सपोजर। वही बात के डॉक्टर पेशेंट को समझाएगा कि इस टाइम तक आपने अपनी स्किन को एक्सपोज करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। फोटोथेरेपी सेशंस आर डन 2 to 3 times a week। जो फोटोथेरेपी सेशंस हैं वो एक वीक के अंदर 2 से 3 दफ़ा किए जा सकते हैं। स्किन कैमोफ्लेज इन माइल्ड केसेस विद लेगो पैचेस कैन बी हिडन विद मेकअप और अदर कॉस्मेटिक कैमोफ्लेज सॉल्यूशंस। यानी कि स्किन कैमोफ्लेज का मतलब क्या है कि जो अगर डार्क स्पॉट्स हों या वाइट स्पॉट्स होते हैं उनको मेकअप की मदद से क्या करना कि दूसरी स्किन जैसा बना लेना, उसी टर्म को इधर यूज किया जाता है कि विटिलेगो वाला जो स्पेसिफिक पोर्शन होगा, जिस स्पेसिफिक पोर्शन पे डीप पिगमेंटेशन हुई है उसको कॉस्मेटिक की मदद से नॉर्मल स्किन की तरह बना लेना, ठीक है। डीप पिगमेंटेशन इन केसेस ऑफ एक्सटेंसिव विटिलेगो द ऑप्शन टू टिक पिगमेंट द अनअफेक्टेड स्किन विद टॉपिकल ड्रग्स लाइक मोनोबेंजोन मैक्यूनॉल और हाइड्रोक्यूनॉन मे बी कंसिडर टू रेंडर द स्किन एंड इवन कलर। यानी कि अगर किसी पेशेंट के अंदर एक्सटेंसिव विटिलेगो यानी कि जिस्म का मोस्टली जो एरिया है वो क्या हो, डीप पिगमेंट हो चुका हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो रिमेनिंग थोड़ा बहुत पोर्शन होता है उसको भी डीपिगमेंटाइज कर दिया जाता है ताकि जो बॉडी का कलर है वो एक जैसा हो जाए, ठीक है। नहीं तो वो अनइवन सा कलर होगा, किसी जगह पे डार्क स्पॉट्स होंगे, किसी जगह पे फुल्ली वाइट पैचेस होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं कि पूरी बॉडी को डीपिगमेंटाइज कर दिया जाता है विद स्पेसिफिक ड्रग्स। उन ड्रग्स के ये क्लासिफिकेशन उन्होंने बताई है कि कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं, मोनोबेंजोन किए जा सकती है, मैक्यूनॉल किया जा सकता है एंड हाइड्रोक्यूनिन। द रिमूवल ऑफ ऑल स्किन पिगमेंट विद मोनोबेंजोन इज परमानेंट एंड विगरस, ठीक है। इसके साथ परमानेंटली जो स्किन होती है वो डीपिगमेंट हो जाएगी, ठीक है, और ये बहुत विगरसली एक्ट करेगा, बहुत फास्ट एक्ट करेगा। सन सेफ्टी मस्ट बी एडहेर्ड टू फॉर लाइफ टू अवॉइड सीवियर सनबर्न एंड मेलानोमास। इन पेशेंट्स के अंदर एक तो सनबर्न के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरे नंबर पे मेलानोमा के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इन पेशेंट्स में क्या फिर सेफ्टी बहुत ज़्यादा पूरी लाइफ टाइम करनी पड़ती है, वो ये कि सन एक्सपोजर ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर सन एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो मेलानोमा के चांसेस और सनबर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डीपिगमेंटेशन टेक्स अबाउट अ ईयर टू कम्प्लीट। डीपिगमेंटेशन किसी पेशेंट की अगर हमने करनी है उसकी स्किन को इवन कलर यानी कि एक जैसा कलर देने के लिए, तो उसके लिए ऑलमोस्ट 1 साल के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, समझ आ रही है सबको? यस सर। उसके बाद है हाइपर हाइड्रोसिस यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग।
हाइपरहाइड्रोसिस मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग, क्रोनिक कंडीशन. इट इज अ क्रोनिक कंडीशन. अमाउंट ऑफ स्वेट दैट फॉर एक्सीड्स दैट नीड टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक्सेसिवली स्वेटिंग होती है, पेशेंट एक्सेसिवली स्वेट करता है. ठीक है, स्वेटिंग नॉर्मली करता क्या है कि हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है. लेकिन ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने के अलावा यानी कि उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली स्वेटिंग होगी. प्रॉब्लम्स, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? हाइपर हाइड्रोसिस से डिहाइड्रेशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन एंड स्किन प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग इन्फेक्शंस सेकेंडरी टू द स्किन मैसरेशन. स्किन मैसरेशन आपने कोई पर्सन अगर किसी वजह से पानी में ज़्यादा देर रहे, ठीक है, या जिस वक्त कपड़े वॉश कर रहे होते हैं तो हमारे हाथों के ऊपर एक वो स्किन सुकड़ जाती है, ठीक है ना, वॉशरमैन स्किन जो बन जाती है. अगर कोई लेडी ज़्यादा अरसे तक, ज़्यादा टाइम के लिए कपड़े धो रही हो, फॉर एग्जांपल 3-4 घंटे से, तो उसकी जो फिंगर टिप्स हैं उसकी स्किन सुकड़ जाती है. उस चीज़ का नाम क्या है? स्किन मैसरेशन. वॉशरमैन स्किन भी उसको बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है कि एक तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सेकेंडरी टू द स्किन मैसरेशन एंड कैन बी अकॉम्पनीड बाई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स. इसमें क्या होगा कि एक तो स्मेल आएगी, जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसीना आता है उसको, उससे उस पर्सन से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, इसलिए उसको बार बार कपड़े भी चेंज करना पड़ेंगे, बार बार शावर भी लेना पड़ेगा. उसके अलावा मैसरेशन की वजह से उसकी जो स्किन होती है वो वीक हो जाएगी और उस जगह पे जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे. सम पीपल मे स्वेट सो प्रोफ्यूसली दैट दे नीड टू चेंज क्लॉथिंग सेवरल टाइम्स अ डे. कॉज क्या होती है इसकी? अभी कॉज अनसर्टेन, बट जेनेटिक मे प्ले अ रोल. इसकी कॉजेज यानि कि कोई एग्जैक्ट कॉज इसका नहीं पता, लेकिन जेनेटिकली अगर इसका कुछ ना कुछ लिंक बन सकता है. लेकिन इसकी जो कॉज है अभी तक उसको एक क्या कहते हैं कि एग्जैक्ट कॉज नहीं बताया जा सका. सीवियर स्वेटिंग मे बी एक्सेसरबेटेड बाई स्ट्रेस इमोशंस और एक्सरसाइज बट ऑफन अकर स्पॉन्टेनियसली. जो स्वीयर स्वेटिंग किस वक्त होगी? जिस वक्त बंदा स्ट्रेस में होगा या इमोशनल होगा या एक्सरसाइज कर रहा होगा, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी. लेकिन हाइपर हाइड्रोसिस में यूजली होती रहती है, स्पॉन्टेनियसली हाइपर हाइड्रोसिस होगी, स्पॉन्टेनियसली एक्सेसिव स्वेटिंग होगी. ठीक है ना. इसमें हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? पाउडर्स एंड ऑइंटमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम टेलकम पाउडर टू प्रेस्क्रिप्शन स्लेव्स कंटेनिंग एल्यूमिनियम, यानी कि वो वाले प्रोडक्ट्स यूज करेंगे जिनके अंदर क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा. आर ऑफन ट्राइड फर्स्ट. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन Ionotrophoresis involves places that hands or feet in a water bath through which an electrical current is passed, essentially stunning the eccrine glands to decrease sweat production. इसमें क्या करेंगे कि Ionotrophoresis वाला एक process इस्तेमाल करेंगे. इसमें क्या होगा कि electrical current के through जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनको स्टन कर देंगे, उनको कुछ अरसा के लिए उनका जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज किया जा सकता है. द इफेक्ट आर टेम्पोरेरी, यानी कि ये जो आयनोट्रोफोरेसिस का इफेक्ट है वो टेम्पोरेरी होगा, वो एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है. लेकिन जब ये ट्रीटमेंट हम करते हैं तो वो कुछ अरसे के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए क्या होता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स का एक्शन है वो कम हो जाएगा, उनका जो काम है वो कम करना स्टार्ट कर देंगे, उनको स्टन कर देगा. ठीक है. द इफेक्ट आर टेम्पोरेरी हाउएवर एंड मे लास्ट फॉर जस्ट अ फ्यू आवर्स और अप टू अ वीक, यानी कि ये इसका असर बहुत थोड़े टाइम के लिए रहेगा. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर. उसके बाद बात करते हैं बोटॉक्स इंजेक्शन. प्रिवेंट द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन फ्रॉम
axon endings at the neuromuscular junction is a minimally invasive treatment approved by the USA Food and Drug Administration, यानी कि FDA ने इसको अप्रूव किया है बोटॉक्स इंजेक्शन को इन 2004 टू हेल्प पेशेंट विद सीवियर प्राइमरी एक्सिलरी हाइपरहाइड्रोसिस इनएडिक्वेटली मैनेज्ड विद टॉपिकल एजेंट्स। इसमें होता क्या है कि बोटॉक्स इंजेक्शन दिया जाता है, आपको पता है कि जो बोटॉक्स इंजेक्शन है इसको एजिंग प्रोसेस यानी कि स्किन का जो एजिंग प्रोसेस होता है उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्किन पे जो एजिंग की वजह से जो रिंकल्स पड़ते हैं बोटॉक्स इंजेक्शन की वजह से उन रिंकल्स को ख़त्म किया जाता है। इसमें भी क्या होगा कि बोटॉक्स इंजेक्शन अंडर द एक्चुअली डर्मिस दिया जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उसका जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, यानी कि मोस्टली स्वेट ग्लैंड्स अपना काम छोड़ देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा जो एक्सिलरी हाइपर हाइड्रोसिस है उसको कम किया जा सकता है। एक्सेसिव स्वेटिंग अंडर आर्म, ठीक है, उसको नाम दिया जाता है एक्सिलरी हाइपर हाइड्रोसिस। विजुअल स्केल ऑफ आर क्वान्टिफिकेशन ऑफ हाइपर हाइड्रोसिस क्या होगा, या तो ड्राई हैंड हो सकते हैं जिसमें यानि के स्वेटिंग नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल हैंड्स जिसमें नॉर्मल स्वेटिंग होगी, ह्यूमिड हैंड जिसमें नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा स्वेटिंग होगी, ठीक है, वेट हैंड उससे ज़्यादा, सॉफ्ट एंड ड्रिपिंग हैंड्स उससे भी ज़्यादा अगर स्वेटिंग होगी, अगर उससे भी इंटेंसिव होगा देन सॉफ्ट एंड वेरी ड्रिपिंग हैंड्स, ठीक है। हाइपर हाइड्रोसिस तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझ आ गए? यस सर। उसके बाद है पिट्रियासिस। पिट्रियासिस रोजिया भी इसको बोलते हैं, द कॉमन स्किन कंडीशन कॉजेज पैचेस ऑन द स्किन। इसकी वजह से क्या होगा, स्किन के ऊपर पैच बनेंगे। Your dermatologist may call the large patch a mother patch. आपका जो dermatologist है जो सबसे पहला बड़ा patch होगा उसको mother patch भी बोल सकता है। The smaller patches are daughter patches. This rash usually disappears on its own without treatment. जो बड़ा patch होगा उसको mother patch बोला जाता है और जो छोटे patches होंगे उनको daughter patch बोला जाता है, ठीक है, और ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा without any treatment. साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या होंगे, मदर पैच द फर्स्ट साइन ऑफ दिस रैश इज अ सिंगल पैच ऑन द स्किन कॉल्ड अ हेरल्ड और मदर पैच। दिस पैच इज द ओनली पैच ऑन द स्किन फॉर अबाउट 2 वीक्स, यानि के फर्स्ट 2 वीक्स में जब साइन अपियर होंगे पहले नंबर पे आपके पास सिर्फ एक पैच होगा जिसको हेरल्ड और मदर पैच बोला जाएगा, ठीक है। दिस पैच कैन गेट लार्ज, इसका साइज इंक्रीज हो सकता है। इट फील्स स्केली, स्केली होगा। पीपल हु हैव फेयर टू ऑलिव कलर्ड स्किन विल सी अ पिंक और रोज कलर्ड पैच, यानी कि जिनकी स्किन फेयर होगी या ऑलिव कलर होगा उनके अंदर पिंक या रोज कलर का, यानी कि उनकी स्किन ज्यादा फेयर होने की वजह से ये रैश का कलर जो होगा वो पिंक होगा या थोड़ा सा रेड होगा, ठीक है। इन पीपल हु हैव डार्क स्किन The color varies from violet to dark grey. यानी कि dark people में उसका color vary कर सकता है violet to dark, dark grey. उसके बाद daughter patches क्या चीज़ हैं? Mother patch का आप लोगों ने याद रखना है सबसे पहले आता है और उसका size सबसे बड़ा होगा। Daughter patches उस जो smaller patches होते हैं उन सबको daughter patches बोला जाएगा। Within a week or two more patches appears on the skin. These patches are smaller and may appear on the chest, abdomen, back, arms and legs. Sometimes these patches develop on the neck, face and somewhere on the skin. ठीक है, patches can even develop inside the mouth. These patches are oval shaped. उनकी शेप के बारे में अपने याद रखने के कौन सी हो सकती है, ओवल शेप हो सकती है। इफ मेनी पैचेस अपीयर दीज न्यू पैचेस मे फॉर्म अ पैटर्न ऑन द बैक, द पैटर्न ऑफन लुक्स लाइक अ क्रिसमस ट्री, यानी कि अगर पैचेस इंक्रीज हो जाएं, ज्यादा पैचेस हों तो वो बैक पे क्रिसमस ट्री का एक पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है।
यहां तक कोई कंफ्यूजन है? पैच फ्री जोन, पैचेस आर रेयरली अपियर ऑन द फेस, स्कैल्प, पाम और सोल्स। पैच फ्री जोन में आप लोगों ने याद रख लेना है, फेस, पाम एंड सोल पे आपको नहीं मिलेंगे, स्कैल्प पे नहीं मिलेंगे। इच, द स्किन कैन इच, अबाउट हाफ ऑफ द पीपल हैव इची स्किन, द इच टेंड्स टू वर्सन व्हेन द स्किन गेट्स वार्म सच एज व्हेन अ पर्सन वर्क आउट और टेक्स अ हॉट शावर। यानी कि इचिंग हो सकती है लेकिन उन कंडीशन में जिन कंडीशन में स्किन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हॉट शावर ले या वर्कआउट करे, ठीक है। ट्रीटमेंट, पिट्रियासिस रोजिया यूजली गोज अवे विदाउट ट्रीटमेंट, यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव द रैश अबाउट 6 to 8 weeks बिफोर इट डिसअपियर्स, सम पीपल हैव इट फॉर 2 weeks, ओकेजनली इट लास्ट लॉन्गर देन 8 weeks। यानी कि यह खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। 6 to 8 weeks इसको नॉर्मली लगते हैं, ठीक है। कुछ लोगों में जल्दी डिसअपियर हो जाएगा, कुछ लोगों में थोड़ा देर से डिसअपियर होगा। मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है? 8 weeks, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें 8 weeks से भी ज़्यादा टाइम लेता है। इफ़ अ पेशेंट हैज़ अनबियरेबल इचिंग, अ डर्मेटोलॉजिस्ट मे प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन टू हेल्प रिलीव द इच, सम टाइम अ डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब लाइट ट्रीटमेंट फॉर द इच, ठीक है। यानी कि अगर इचिंग होगी किसी पेशेंट के अंदर, अनबियरेबल इचिंग होगी, यानी कि इतनी इचिंग होगी कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, देन जो ड्रमाटोलॉजिस्ट होगा वो क्या करेगा कि उसके लिए इचिंग के लिए कोई ना कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देगा, ठीक है। और कुछ टाइम सम टाइम अगर यानी कि ड्रमाटोलॉजिस्ट चाहे अगर वो सजेस्ट करे तो लाइट ट्रीटमेंट भी उसके लिए किया जा सकता है, फोटोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अप टिल नाउ अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बताएं। समझ आ गई है? यस सर। चले मैं एक मरतबा मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मीटिंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो हम अगली पीपीटी स्टार्ट करते हैं।